नमस्कार, डेली डाई न्यूज में आपका स्वागत है। समाज सेवी अन्ना हजारे शुक्रवार से एक बार फिर अनशन की राह पर हैं। अन्ना रामलीला मैदान से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि उनकी प्रमुख मांगों में अभी भी लोकपाल विधेयक को पारित करना शामिल है, लेकिन इसके अलावा भी वे 6 अन्य मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल शुरू करने से पहले अन्ना हजारे राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और प्रार्थना की। अन्ना हजारे की 7 मांगों में से किसानों की कृषि उपज की लागत के आधार पर 1.5 गुना ज़्यादा दाम मिले, खेती पर निर्भर 60 साल से ऊपर उम्र वाले किसानों को प्रति हज़ार 5,000 रुपये पेंशन मिलना चाहिए, तथा चुनाव सुधार के लिए सही निर्णय जैसे मुद्दे उनके अनशन में शामिल हैं। अन्ना हजारे ने अनशन की शुरुआत से पहले केंद्र सरकार को संबोधित करते हुए कहा, प्रदर्शनकारियों को दिल्ली लेकर आ रही ट्रेन आपने कैंसिल कर दी, आप उन्हें हिंसा की ओर धकेलना चाहते हैं, मेरे लिए भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, मैं कई पत्र लिखे और कहा कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, आपकी सुरक्षा मुझे बचा नहीं सकती, सरकार का धूर्त रवैया सही नहीं है। बता दें अन्ना हजारे लोकपाल विधेयक को पारित कराने की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने 2011 में रामलीला मैदान में भी भूख हड़ताल की थी। इस दौरान उनके साथ अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया जैसे साथी थी। हालांकि अब इनके साथ अनशन में शामिल होने की सूचना नहीं है। अन्ना का कहना है, इस बार का अनशन 2011 से भी बड़ा होगा। इस बार अन्ना हजारे के साथ नए साथी जुड़ चुके हैं। इस अनशन में अन्ना के संरक्षक दत्ता अवारी, पंकज काल की और दिल्ली से सुनील लाल का नाम मुख्य रूप से शामिल है।